तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे, माफ़ी चाहूँगा, आज हम लोग पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे। बेसिकली सीखने से मेरा मतलब ये है कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, रटेंगे नहीं, और उन कॉन्सेप्ट को सीखकर कैसे न्यूमेरिकल में अप्लाई करना है, किस न्यूमेरिकल में किस कॉन्सेप्ट को लगाया जाता है, मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए, सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय उन चीज़ों को रट लेना, उन टॉपिक को रट लेना या मगअप कर लेना, वो एक डिफरेंट चीज़ है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आज हम लोग कूलॉम्ब्स लॉ के बारे में कुछ चीज़ें सीखेंगे, और इसके बाद इस पे बेस्ड किस तरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं और वो न्यूमेरिकल्स में कैसे हम लोग कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं या फिर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये चीज़ सीखने वाले हैं। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ कूलॉम्ब्स लॉ। कूलॉम्ब्स लॉ स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक भले ही ना करें, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ताकि आप जैसे बच्चे जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं वो इस वीडियो के जरिए सीख पाएं। तो आप प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर कर दें, वो काम करता है। तो सबसे पहली बात उन्होंने बोली थी कि ये जो होता है ये पॉइंट्स चार्ज के लिए होता है। सबसे पहली बात, फोर पॉइंट चार्ज ओनली। अब पॉइंट चार्ज क्या होता है ये मत पूछना यार, पॉइंट चार्ज मैं बता देता हूँ, ये बहुत छोटा सा चार्ज जिसका कंपैरेटिवली जो बहुत छोटा उसको पॉइंट चार्ज कहते हैं हम लोग। सबसे छोटा जैसे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माना जाता है। और दूसरा उन्होंने कहा था कि जो फोर्स इसमें लग रहा होता है, फोर्स लग रहा होता है दैट इज अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग, अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग। बच्चों मैं आपको बता दूँ अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग वाली बात, अलॉन्ग द लाइन ज्वाइन जो है, मैं आपको बता दूँ इस प्रॉपर्टी की वजह से ही इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंट्रल फोर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेंट्रल फोर्स। बच्चों सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या हुआ कि जो दो पॉइंट्स के, दो बॉडीज के बीच सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के अलॉन्ग फोर्स लगता है उसको क्या बोला जाता है? सेंट्रल फोर्स। एक बात मुझे और याद आ गई साथ साथ, इसी को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स भी कहते हैं, इसी को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स भी कहते हैं। और कंजर्वेटिव फोर्स इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि ये पाथ इंडिपेंडेंट है। माइंड इट, इस बात को याद रखें, क्योंकि ये पाथ इंडिपेंडेंट है। पाथ इंडिपेंडेंट कैसे कि आप किसी भी रास्ते से भी जाइए, आप इधर से वहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क डन करेगा वो वर्क डन हर बार सेम होगा। ये तीनों पॉइंट याद रखने के लिए हैं। सबसे पहले पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, दूसरी बात ये लाइन ज्वाइनिंग होता है यानी कि इसका सेंट्रल फोर्स नाम दिया जाता है, और तीसरा दूसरा ही कि इसको कंजर्वेटिव फोर्स भी बोला जाता है। तीसरा जो पॉइंट है वो बहुत खास है, और उसी पॉइंट के बाद एक नया टॉपिक भी उन्होंने बना दिया था। वो तीसरा पॉइंट बच्चों इनका ये है कूलॉम्ब्स लॉ का, या फिर फोर्सेस की मैं बात करूँगा तो अगर एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, मान लीजिए क्यू, एक दूसरा चार्ज यहाँ पर, इनका नाम ही उसे रख देना चाहिए वन और इसका टू, तो ये क्यू टू इस पर एक फोर्स लगा रहा है। मान लीजिए ऐसा समझिए इसको, ये Q1 चार्ज है पॉजिटिव और इसकी एक सहेली है माइनस Q2, तो इन दोनों के बीच प्यार मोहब्बत है और उस प्यार मोहब्बत का नाम मैंने दिया हुआ है एफ ए। अचानक से इस Q1 की ज़िंदगी में एक और माइनस Q3 आ गई, ओ एक और माइनस, जैसे Q3 आई तो अब इनके बीच भी कोई प्यार मोहब्बत है और उसको मैंने बोला एफ बी। तो बच्चों इनके बीच की प्यार मोहब्बत क्यू ए क्यू बी एफ ए चेंज होगी या नहीं? तो आंसर है सर, रियल लाइफ में तो हो जाएगी, लेकिन चार्जेस के केस में वो चेंज नहीं होती है। ये जो इस पर फोर्स लगा रहा है वो लगातार फोर्स लगाता ही रहेगा, चाहे उसके बाद तीन चार पाँच दस बीस कितने भी चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगा दें। ये एक इस तरह का ही बात होगी कि अगर मान लीजिए मैं आपसे 20 रुपये मांगता हूँ या 50 रुपये मांगता हूँ और कोई दूसरा भी आपसे 100 रुपये मांगता है, तो मैं अपने 50 रुपये मांगना आपसे नहीं बंद कर सकता, नहीं छोड़ सकता, वो तो मुझे चाहिए क्योंकि वो चाहे कितना ही मांगे। तो इस तरीके से ही ये जो इस पर फोर्स लगा रहा है ये अपना फोर्स कंटिन्यू रखता है, चेंज नहीं करता, भले ही यहाँ पर एक तीसरा चार्ज, चौथा चार्ज, पाँचवा चार्ज, कितने भी चार्ज आ जाएँ और वो सब एक दूसरे पर फोर्स लगाना स्टार्ट कर दे, लेकिन ये अपना फोर्स चेंज नहीं करेगा। और इसी पे बेस एक लॉ बना दिया गया और उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो हमारा अगला टॉपिक यहीं से स्टार्ट हो गया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये पूरी बात आप लिख लें बच्चों साथ साथ। तो अगला पॉइंट है आपका, बेसिकली जो हेडिंग आप डालेंगे, जो टॉपिक है अपना, वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इस टॉपिक के जस्ट बाद मैं आपको न्यूमेरिकल सिखाने वाला हूँ, हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं, आप लोग रेडी रहें। आप सो गए हैं तो उठ जाएं, रात के करीब 12 के आसपास टाइम हो रखा हुआ वो भी, बट नो। तो बच्चों मैं आपको बता दूं
आपको नींद नहीं आनी चाहिए. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसी ऑफ सुपरपोजिशन, ये जो सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को मैं आपके सामने अब भी डिस्कस करता हूँ. यार सुपरपोजिशन मतलब क्या? जनरली जोड़ना. मान लीजिए हमारे पास ये एक चार्ज है क्यू, मतलब मैं कैपिटल क्यू नहीं बोलूँगा आज के बाद से, मेरी बात याद रखना, हम मैं इसको बोलूँगा क्याऊ. हरियाणा से हूँ तो क्याऊ बोल रहा हूँ ना. इस क्याऊ से यहाँ पर आर वन डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, यहाँ पे आर टू डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू टू, और यहाँ पर रखा हुआ है क्यू थ्री, आर थ्री डिस्टेंस पर. अगर ये इस तरीके से क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री आर वन आर टू आर थ्री डिस्टेंस में रखे हुए हैं, तो इनके बीच एक फोर्स है. कैसा फोर्स है भाई? इसने इस पर फोर्स लगाया, इसने इस पर फोर्स लगाया, इसने इस पर फोर्स लगाया, तो उन फोर्सेज का नाम हमने क्या दे दिया? एफ वन एफ टू एंड एफ थ्री. तो एफ फोर्स नेट, एफ नेट ऑन कैपिटल क्यू, यानी कि फोर्स नेट ऑन कैपिटल क्यू कितना होगा? तो ये होगा, इसने जितना फोर्स लगाया एफ वन, इसने जितना फोर्स लगाया एफ टू, इसने जितना फोर्स लगाया एफ थ्री. कहने का मतलब ये हुआ कि नेट फोर्स ऑन दैट चार्ज क्यू इज एडिशन ऑफ द ऑल चार्जेस, ऑल क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री चार्जेस एंड अप टू क्यू एन चार्जेस. इसी प्रिंसिपल को नाम देते हैं हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. तो ये अपना कौन सा प्रिंसिपल हुआ बच्चों? ये अपना हुआ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. मैं इसे हटा रहा हूँ और अब मैं आपको कूलम्स लॉ से बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाता हूँ कि इसमें कैसा न्यूमेरिकल हो सकता है और उस न्यूमेरिकल को हम लोग कैसा सॉल्व करते हैं. अभी इसका वेक्टर फॉर्म भी आना बाकी है, उस पर भी हमें भी बात करनी बाकी है, बट फिर भी चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ एक सिंपल से न्यूमेरिकल के साथ. तुम लोग ध्यान से सुनना मेरी बात को. मान लीजिए हमारे पास दो चार्ज हैं बच्चों. यहाँ पर आपको बहुत चीज़ें सीखने की मिलेंगी इस क्वेश्चन में. हमारे पास दो चार्जेज हैं. फर्स्ट इज द पॉजिटिव फोर ई और उनके बीच का डिस्टेंस है एक, ये मैं आपको एक बुक का क्वेश्चन करा रहा हूँ, उनके बीच का डिस्टेंस है ए, और यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है दैट इज पॉजिटिव ई. ध्यान दें, दो चार्ज हैं पॉजिटिव फोर ई एंड पॉजिटिव ई, जिनके बीच के डिस्टेंस है ए. अगर यहाँ पर हम एक तीसरा चार्ज इंट्रोड्यूस करना चाहें, क्यों कोई तीसरा चार्ज है, वो तीसरा चार्ज अगर हम इंट्रोड्यूस करना चाहें तो कहाँ पर रखें? मेरी बात सुनना, इस क्यू चार्ज को कहाँ पर रखें कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, इक्विलिब्रियम में हो, और अगर हम उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम करना चाहें तो क्या करें, और अगर हम उसको अनस्टेबल करना चाहें, अनस्टेबल करना चाहें तो क्या करें. देखिए तीन सवाल यहाँ पर हैं, इक्विलिब्रियम में हो तो कहाँ रखें, और जहाँ रखें वहाँ पर स्टेबल करना चाहें तो क्या करें, और अनस्टेबल करना चाहें इक्विलिब्रियम को तो क्या करें. इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार खुद से भी ट्राई कर सकते हैं. कूलम्स लॉ का क्वेश्चन है, आप पॉज करिए स्क्रीन को और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए 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 करिए. चलिए पेन कॉपी उठाइए, जो लोग सो गए हैं वो उठ जाइए. ठीक है, मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ. अब बच्चों ढंग से सुनना मेरी बात. हमने ऐसा मान लिया, लेट अस सपोज, अजम्पशन ले लिया कि हमने उसको यहाँ पर रख लिया, इसके पास कहीं रख लिया, ठीक. या ऐसा मान लीजिए कि मैंने इसे x डिस्टेंस दूर मैंने इस पॉइंट पर इस चार्ज क्यू को रख लिया. अभी मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने चार्ज को यहाँ पर रखा. अगर मैंने चार्ज को यहाँ पर रखा तो वो कहता है कि जहाँ पर भी आप रखेंगे वहाँ पर इक्विलिब्रियम आ जाना चाहिए, वहाँ पर इक्विलिब्रियम आ जाना चाहिए. तो यहाँ पर अगर इक्विलिब्रियम आ जाने वाली बात होती है तो उस पॉइंट के इक्विलिब्रियम के लिए मुझे मालूम है कि ये जो फोर्स इस पर लगाएगा और ये जो इस पर फोर्स लगाएगा दोनों फोर्स बराबर होंगे, और अगर वो दोनों फोर्स बराबर होंगे तो हम डिस्टेंस निकाल पाएंगे कि वो एक्स कितना था, क्योंकि उसने इक्विलिब्रियम के लिए बोला इक्विलिब्रियम वहाँ पर है, तो डिस्टेंस निकालने की बात कर रहा है. अब वो डिस्टेंस निकालेंगे तो वहाँ पर स्टेबल अनस्टेबल की कंडीशन हमें बतानी है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमने इन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स, मतलब बेसिकली मैं उसका नाम एफ वन दे देता हूँ, एफ वन है वो इन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स है, दैट इज फोर ई के इंटू फोर ई इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस एक्स स्क्वेयर. प्यारे बच्चों F2 फोर्स में जो कह रहा हूँ वो इन दोनों चार्जेस का बीच का फोर्स है, और मुझे उसे कहना चाहिए K इंटू क्यू इंटू ई अपॉन, इसको मुझे लिखना चाहिए
ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। अगर ये इस तरह के हैं और ये दोनों बराबर हैं तो ऑन इक्वेटिंग, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर लेता हूं तो ऑन इक्वेटिंग, इक्वेटिंग के बाद क्या होता है, ये k मारा जाता है, ये q मारा जाता है, ये e मारा जाता है, और यहाँ से हम इसको देखें तो हमारे पास जो बच गया है वो क्या बच गया अपने पास, a माइनस एक्स। तो अब मुझे यहाँ से इसको सॉल्व करना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करता हूँ इसकी बच्चों, तो क्या रिजल्ट आता है, तो मेरे पास रिजल्ट आता है 4 a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसका आपके पास होल स्क्वायर है। देखिए ये 4 इसके साथ आ गया तो 4 दिस मच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ मैं रूट कर देता हूँ ना, मुझे ये स्क्वायर स्क्वायर हट जाएंगे फिर, तो ये हम मर गया यहाँ से, और 4 का क्या हो गया 2, और यहाँ से मिल गया मुझे a माइनस एक्स सिंपली, और यहाँ से मेरे पास आ गया केवल x। यहाँ से मेरे पास इस x की दो वैल्यूज आती हैं, कैसे सुनिएगा, मैं इसको लिख रहा हूँ 2a दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर ये प्लस माइनस अगर है तो प्लस माइनस में अगर मान लीजिए ये माइनस था और मैं इसको लेके गया तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर जो एक्स स्क्वायर आया था, तो इस एक्स स्क्वायर को मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे एक्स आ गया, प्लस माइनस में एक्स आ गया, और ये अपने पास ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर था, तो ये 2 आ गया और ये 2a हो गया, और ये यहाँ पे माइनस 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, अभी आपको बेटर समझ आएगा। अब यहाँ से मैं इसको प्लस माइनस में सॉल्व करता हूँ तो एक बारी मेरे पास जो वैल्यू आती है वो आती है x की, दैट इज 2a। कैसे आई ये 2a, क्योंकि मैं इसको इधर लेके गया तो यहाँ पर ये अगर माइनस का है और ये यहाँ पर प्लस का है तो मेरे पास एक एक्स बचता है, दैट इज इक्वल टू व्हाट 2a, और अगर ये माइनस का है और यहाँ से ये मान लीजिए प्लस का गया और वहाँ पे प्लस का है तो ये कितने हो गए 3, और अगर ये 3 हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू आती है मेरे पास 2a बाय 3। बच्चों ये हमारे पास x की वैल्यूज आती हैं कि अगर आप इतनी दूर रखेंगे इसको तो हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। अगर हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो गया तो क्या x की वैल्यू ये है। अब इसको हमें स्टेबल और अनस्टेबल करना है, डिस्टेंस हमने निकाल लिया, ये हमारे पास परफेक्ट आंसर है। और स्टेबल अनस्टेबल क्या होता है, पहले मैं आपको इक्विलिब्रियम की ही स्टेबल अनस्टेबल कंडीशन सिखा देता हूँ। जैसे हम समझते हैं कि मेरे पास मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है और मैं कहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट अभी स्टेबल है, मान लीजिए ये अभी स्टेबल है, राइट, ये स्टेबल कंडीशन में है, मैं इस पर एक फोर्स लगाता हूँ, मैंने यहाँ पे इसकी फोर्स लगाई, जैसे मैंने फोर्स लगाया तो फोर्स लगाती क्या होगा, ये गिर जाएगा, फोर्स लगाती ये गिर जाएगा और फिर ये वापस यहाँ पे नहीं आ पाएगा, तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अगर मैं अब कहूँ कि हाँ ये अब स्टेबल है और अब मैं इस पर एक फोर्स लगाता हूँ, तो फोर्स लगाया मैंने, ये यहाँ पे गया छोड़ा तो वापस आ गया, फोर्स लगाया इधर गया छोड़ा तो वापस आ गया, ये कैसा है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो अब मुझे स्टेबल और अनस्टेबल के बारे में बात करनी है, तो कौन सा स्टेबल और कौन सा अनस्टेबल है उसके मैं पॉइंट बताता हूँ। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको पॉजिटिव क्यू कर देता हूँ, इस चार्ज को मैंने पॉजिटिव क्यू कर दिया, तो पॉजिटिव क्यू करने पर मेरी बात ढंग से सुने, ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, इधर भेजेगा, ये पॉजिटिव बोलेगा भाई साहब आप मेरे नज़दीक आ रहे हैं तो मैं आप पे ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा, क्योंकि दूरी बढ़ने से प्यार कम हो जाता है, नहीं, दूरी कम होने से प्यार बढ़ जाता है, मतलब डिस्टेंस कम होने से फोर्स बढ़ जाता है, इनवर्स रिलेशन होते हैं उनके बीच में। तो क्या हुआ, ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, इसको वापस भेज देगा, तो पहले इधर जाएगा फिर इधर जाएगा फिर इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, तो ये अपने पॉइंट पर वापस दोबारा से आ जाता है। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, पॉजिटिव क्यू रखोगे तो आपका इक्विलिब्रियम होगा स्टेबल टाइप का। अच्छा नेगेटिव क्यू रखना भाई, नेगेटिव क्यू रखा हमने यहाँ पर, और मैंने अगर उसको इस अपने पॉइंट से थोड़ा सा हिला दिया, क्योंकि इक्विलिब्रियम में था, थोड़ा सा हिलाया तो क्या हो, ये फटाक से जाए तो इससे आगे चिपक जाएगा और इधर हिलाया तो इससे आगे चिपक जाएगा, वापस अपनी पोजिशन पर नहीं आ पाएगा। तो अगर वो नेगेटिव क्यू हमने रखा तो ये एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो एक हमने एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस किया, क्वेश्चन में खास बात ये थी कि अनस्टेबल स्टेबल हमने सीखा, और हमने ये सीखा कि किस तरीके से हम लोग बेसिकली कैलकुलेट किया करते हैं डिस्टेंस, कि जहाँ पर वो तीनों चार्जेस स्टेबल में रहेंगे, स्टेबिलिटी में रहेंगे, बेसिकली इक्विलिब्रियम में रहेंगे। अब ऐसा ही अगर तुम कहते हो तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूँ, आप उसको स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करना, और जी चलिए मैं बताता हूँ कि किस तरह का न्यूमेरिकल वो है। मान लीजिए ये जो मैं अभी न्यूमेरिकल देने जा रहा हूँ, ये प्रीवियस जेई का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉलीपॉप टाइप क्वेश्चन इसको हम बोल सकते हैं, बट हाँ ये जेई का है, तो थोड़ा ध्यान से तुम करना, पेन कॉपी निकाल के अलर्ट हो जाइएगा, और जैसे आपका आंसर आएगा आप तुरंत पहले कमेंट करेंगे कि मेरा ये आंसर आता है, और कमेंट के साथ साथ अपना नाम लिख देंगे तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ भाई इस बच्चे या बच्ची, कन्या या नॉन कन्या ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है।
क्वेश्चन ये है बच्चों कि हमारे पास दो चार्ज हैं, दो चार्ज हैं पॉजिटिव क्यू और एक दूसरा है वो भी पॉजिटिव क्यू, राइट। हमने यहां पर कोई एक चार्ज रखना है इनके बीच में, इनकी लाइनिंग जॉइनिंग पर इनके बीच में एक चार्ज रखना है जो है बिल्कुल बीच में, बीच बोला मैंने, यहां से भी बराबर दूरी और यहां से भी बराबर दूरी, उनके बीच में एक चार्ज क्यू रखना है। तो उन्होंने कहा कि इस क्यू की वैल्यू क्या रखें कि सिस्टम किस में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, सिस्टम फिर से किस में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, और इस क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है क्यू बाय फोर, दूसरा ऑप्शन है माइनस क्यू बाय फोर, तीसरा ऑप्शन है क्यू बाय टू माइनस का, चौथा ऑप्शन है नॉटा, नन ऑफ द अबव। जल्दी से बच्चे इसका ऑप्शन 1, 2, 3, 4 जो सही है आप कमेंट बॉक्स में लिखें और साथ साथ अपना नाम भी जोड़ दें कि मेरा आंसर ये है, सही गलत जो होगा स्क्रीन पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। फटाफट सॉल्व करें यार, हो गया, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखो सबसे ज़रूरी बात, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे ज़रूरी बात इसमें ये कि उसने कह दिया कि बीच में रखे हुए पर वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब इन दोनों का फोर्स और इन दोनों का फोर्स कैसा है, सेम है। उससे पहले एक बात और, ये बहुत जरूरी है कि इस चार्ज को नेगेटिव ही होना पड़ेगा, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं हो पाएगा, ये पॉजिटिव हुआ तो ये इसको रिपेल करेगा, वो उसको रिपेल करेगा, ये सिस्टम हो सकता है इक्विलिब्रियम में ना आए। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूँ, अगर ये फिक्स नहीं हो तो मैं आपसे बात करूँ, अगर ये नेगेटिव है तो इस नेगेटिव को मैं यहाँ पे रखूँगा, तो नेगेटिव के यहाँ पे रखने से क्या होगा, ये इसको खींचेगा अपनी तरफ और ये इसको खींचेगा अपनी तरफ और दोनों के बीच में एक फोर्स लग जाएगा अपनी तरफ वाला, हाँ F1 एंड F2, और F1 एंड F2 दोनों क्या होंगे, बराबर। इक्विलिब्रियम की बात की उसने पहले, और अगर वो दोनों बराबर होंगे तो किस तरीके से मैं उसको लिखूंगा, कहाँ कर दूँ इसको सॉल्व में, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। देखो यहाँ अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ध्यान से सुनना मेरी बात, हमने इसको देखा और सॉल्व करने की कोशिश की तो ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, तो कैसे करें बराबर पुट कर दें, इनके बीच का फोर्स कितना होगा, तो होगा के क्यू क्यू क्यू, या फिर आप इसको एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि आप इसके फोर्स को निकाल लें कि इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, इस पर लगने वाला ये वाला चार्ज कितना फोर्स लगाएगा, तो ये वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला चार्ज कितना फोर्स लगाएगा, तो ये वाला चार्ज इसको अपने से दूर भगाएगा, तो ये दोनों अगर ये इसको अपने से दूर भगाता है और ये इसको नज़दीक खींचता है तो वो फोर्स निकाल लीजिए, और वो फोर्स कितने कितने होंगे, तो उस फोर्सेस को भी हम बराबर रखेंगे क्योंकि तो इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम रुका हुआ है। तो चलिए ऐसा सॉल्व करते हैं, मैं इसको कुछ देर के लिए रोकता हूँ और इसको मैं बोल देता हूँ F1 और इसको मैं बोल देता हूँ F2, आसान पड़ेगा। इसने इस पर फोर्स लगाया तो कितना लगा, के क्यू क्यू बाय ये डिस्टेंस आप मान लीजिए कुछ भी, टोटल डिस्टेंस आपकी है, ये डिस्टेंस आपकी है ए, तो टोटल डिस्टेंस आपकी है 2a, एक्स वाई जेड जो मर्जी मार सकते हैं, तो के क्यू बाई क्यू अपॉन क्या, ए स्क्वायर, और ये बराबर किसके है, बराबर है के क्यू क्यू बाई 2a का होल स्क्वायर। यहाँ से हमने मारना काटना स्टार्ट किया, ये इससे मर गया, ये इससे मर गया और ये इससे मर गया, और ये 2 जाके आ गया, 4 बाहर आ गया, तो अपने पास इस q की वैल्यू क्या आई, दैट q इज इक्वल टू क्यू बाई 4। क्यू बाय 4 अगर ये होगा और हमने इस चार्ज पर फोर्स निकाला था तो अपना पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर मैं कूलम्स लॉ को पढ़ा रहा हूँ तो मुझे एक क्वेश्चन और सिखाना चाहिए, और वो क्वेश्चन के टाइप्स बहुत सारे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं उस तरीके के कि जैसे ट्रायंगुलर शेप बना देंगे आपको, स्क्वायर बना देंगे, स्क्वायर के इस पॉइंट पे चार्ज निकालिए, इस पॉइंट पर फोर्स निकालिए, इस पॉइंट पर ये करिए, ऐसा मैं आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करा दूं और फिर उसके बाद हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे अपनी को। एक न्यूमेरिकल है, मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगुलर फॉर्म दिया हुआ है, एक लिटिल ट्रायंगल बोला हुआ है, ये भी प्रीवियस ईयर से ही है, देखिए दोनों लॉलीपॉप प्रॉब्लम्स हैं यार ये। अगर इसका यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है क्यू, बच्चों नीट में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई साहब, क्यू एंड क्यू नीट वाले उदास ना हो, माफ़ी चाहूँगा, ये ए ए डिस्टेंस पर रखे हुए, यानी कि एक लिटिल ट्रायंगल है और ये सारे क्यू क्यू हैं और ये सारे सेम टाइप के हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर ये सेम पॉजिटिव 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 है तो बच्चों किसी पर भी, इस पर इस पर इस पर किसी पर भी लगने वाला नेट फोर्स बता दीजिए कि कितना है,
मैं इसको जल्दी से सॉल्व करता हूँ, इस पॉजिटिव ने पॉजिटिव, तो आप लोग भी सॉल्व करें, मुझसे पहले सॉल्व करेंगे, अगर मुझसे पहले सॉल्व कर दोगे तो आंसर लिख देना कमेंट बॉक्स में। इस क्यू ने क्यू को रिपेल किया इधर की तरफ, फोर्स लगा एफ, क्यू क्यू वन क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, इसने इस पर फोर्स लगाया इधर, फोर्स लगा एफ, अगर फोर्स एफ एफ लग रहा है और ये वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60, तो ये एंगल भी क्या होगा 60, ये एंगल आपके 60 है, तो ये फोर्स एफ, फोर्स एफ एफ एफ, ये दोनों फोर्स हैं, तो उन दोनों फोर्सेस के साथ हम उनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है एफ आर इज इक्वल टू क्या, रूट एफ ए वन एफ ए टू का स्क्वायर प्लस टू एफ ए वन एफ ए टू का ओके स्क्वायर नहीं कॉस थीटा। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, थीटा कितना है 60 डिग्री, और यहाँ पर देखा फोर्स बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है और दोनों चार्ज बराबर है, तो ये क्या हो गया एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वायर कॉस 60 डिग्री और का क्या रूट। फिर देखा कि इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दैट इज इक्वल टू 1, 2, 3 और 1, 2, 3 कैसे, ये यहाँ पर क्या हो गया कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 2 से 2 मारा गया था, तो ये कितना हो गया 1, 2, 3, तो ये आ गया रूट 3 एफ स्क्वायर, इस रूट ने स्क्वायर को कट कर दिया तो आंसर आया रूट 3 एफ। पता नहीं आपका पहले आया या मेरे पहले आया, इतना न्यूटन फोर्स लगेगा किसी भी चार्ज पर, आप नेट फोर्स चेक कर लें। अब इस तरह के न्यूमेरिकल भाई साहब मैं इसे आगे नहीं कराने वाला हूँ, क्या क्या होता है, ये एक इस तरह का स्क्वायर दिया, यहाँ पर साइड है साइड है साइड है, यहाँ रखा चार्ज, यहाँ रखा चार्ज, बीच में रखा चार्ज, दोनों सेम टाइप के अपोजिट टाइप के, ना जाने कैसी कैसी बात उसमें कर देते हैं वो, और फिर आपसे सवाल पूछते हैं, तो सिंपली आप इसमें कूलम्स लॉ अप्लाई कर लेंगे, और कूलम्स लॉ अप्लाई करने के बाद आप सिंपली इसमें फोर्स निकाल सकते हैं। थोड़ा सा आपको दिमाग रखना है कि कैसे कैसे उसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद मैं आपको वैक्टर की फॉर्मेशन सिखाऊंगा कि वैक्टर कूलम्स लॉ में वैक्टर फॉर्म क्या होता है उसका, और वैक्टर फॉर्म के साथ साथ मैं यहाँ पर मैकेनिक्स से रिलेटेड, अरे सर कैसी बात कर रहे हो, कूलम्स लॉ में मैकेनिक्स घुसाऊंगा कि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, दो चार्ज, फोर्स, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इस तरह की ढेर सारी क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों सीखने के लिए मैं आपको याद दिला दूं, सीखने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरह के न्यूमेरिकल्स को सीखने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरह के न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल में कॉन्सेप्ट